बजट पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2023-24 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अमृत काल का पहला बजट है जो कई मायनों में दूरदर्शी एवं देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला बजट है। महोदय, यह एक ऐसा बजट है जो आत्मनिर्भर भारत की हमारी संकल्पना को एक दिशा देता है। इस बजट में सभी क्षेत्र के नागरिकों को, विशेषकर युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को एवं अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अनुसूचित जाति और जनजाति का विशेष ध्यान रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड महामारी के बाद संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। ऐसे सुस्त पड़ते अर्थव्यवस्था के बीच आशा की किरण केवल भारत ही है, या मैं नहीं विश्व की कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था भी कह रही है। जहां एक और हमारी सरकार की कोविड के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराकर जीवन की रक्षा की है, वहीं दूसरी ओर हमने अर्थव्यवस्था की सशक्त बनाने के लिए कई कार्य किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के दौरान केवल हमने अपने देशवासियों को दवाएं और वैक्सीन उपलब्ध कराए, बल्कि जरूरतमंद देशों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराए। हमारी सरकार की नीति सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की रही है। यानी हमारी वैश्विक परिक्षेप में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का समर्थन करती है। यह खुशी की विषय है कि इस वर्ष भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। भारत में सदा ही संपूर्ण विश्व को अपना एक परिवार माना है, इसलिए इस वर्ष G20 की थीम भी वन वर्ल्ड वन फैमिली और वन फ्यूचर है। आज हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टा का ही परिणाम है। उसके नेतृत्व में, हमारा कुशल मार्गदर्शन में भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुआयामी कार्य किए हैं। खेती किसान से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर तक, सड़क से लेकर वायु मार्ग तक बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार ने समुद्र को और जल मार्गों को एक एसेट के रूप में माना है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जनजातीय क्षेत्र में सुदूर उत्तर पूर्व क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है, जिसका परिणाम है कि इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में से लेकर कई क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कुशल रणनीति का ही परिणाम है, आज प्रति व्यक्ति करीब 9 वर्षों में 2 गुना आय हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होंगे। जहां तक डिजिटल भुगतान का प्रश्न है, वर्ष 2022 में UPI के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान किया गया है। हमारे देश के नागरिकों को सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। जहां एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए हैं, वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिया है। लगभग 8 करोड़ लोगों को नल से जल प्रदान किया है। महोदय, 45.58 करोड़ लोगों को जनधन खाता से जोड़ा गया है। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,
44.6 करोड़ लोगों को लोगों से भी अधिक जोड़ा गया है। वहीं COVID-19 के दौरान 102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण किया गया है। अब तक टीकाकरण का आंकड़ा 2020 करोड़ से पार कर गया है। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा को लेकर कितनी चिंतित है। हमारी सरकार ने अब तक पीएम सम्मान किसान निधि के 11.4 करोड़ किसानों को 2.5 लाख करोड़ रुपये का नगद हस्तांतरण किया है। ये सराहनीय है। समावेशी विकास एवं अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचाने की जो अवधारणा है वह हमारे बजट में स्पष्ट दिखती है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधा के बढ़ोतरी के लिए दृष्टिगत रखते हुए मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साथ संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। महोदय, हमारी सरकार का ध्यान स्पष्ट रूप से जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की योजना है कि अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिनमें 38,000 अध्यापकों और सहयोगी कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा। महोदय, निश्चित ही इस कदम से आदिवासी इलाका में रहने वाले विद्यार्थियों का सीधा लाभ होगा। महोदय, मैं झारखंड राज्य से आता हूं और मुझे कहते हुए यह खुशी हो रही है, जब जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब तब आदिवासियों का जो सम्मान दिया है कोई पार्टी ने देने का काम नहीं किया है। इस बात का मैं सबूत देना चाहता हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करता हूं, उसके कालखंड में आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम किया, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है राष्ट्रपति पद तक को पहुंचाने का काम किया है जनजाति महिला को। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं झारखंड के हेमंत सोरेन के सरकार को, जो अपने को आदिवासी का हितैषी समझता है, मैं चुनौती देता हूं कि आज तक आपने राज्यसभा में एक भी आदिवासी को भेजने का काम नहीं किया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं झारखंड में आज ऐसे गठबंधन के सरकार है जिन्होंने झारखंड के साथ नाइंसिफाई किया है। समाप्त कीजिए। आज निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं महोदय, झारखंड में ऐसे लोग हैं जो झारखंड आंदोलन को दबाने का काम किया, झारखंड को बेचने का काम किया, झारखंड को जो है लाश पर बनाने का बात किया। ऐसे गठबंधन जो है सरकार है इसे भलाई होने वाला नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं इस हेमंत सोरेन के राज में जिन्होंने उनके पिताजी ने झारखंड के सभापति महोदय